सड़क सुरक्षा के नाम पर अब तक न जाने कितने ही सप्ताह मनाए गए, लेकिन स्थिति वहीं ढाक के तीन पात वाली दिखाई पड़ रही है और पुलिस के दावे भी दावे ही बनकर रह गए हैं। यही कारण है कि तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के चलते आज फिर तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ने एक युवक की जान ले ली, जबकि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रेवाड़ी जिले के गांव धामलावास का रहने वाला 27 वर्षीय संदीप मानेसर स्थित किसी निजी कंपनी में नौकरी करता था। रोज की तरह आज भी कंपनी जाने के लिए वह स्कूटी पर सवार घर से निकला था कि जैसे ही वह गोपालदेव चौक के पास पहुंचा तो अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर जा रहा नावदी गांव का रहने वाला मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि यह हादसा रामपुरा थाने से महज 50 मीटर दूरी का है, जहां पुलिस द्वारा नाका भी लगाया हुआ है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क हादसों को लेकर रेवाड़ी पुलिस कितनी गंभीर है। वहीं खबर भेजे जाने तक पुलिस अस्पताल नहीं पहुंच सकी थी। रेवाड़ी से अजय त्री, आजाद टीवी। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? कौन लोग है जो एक्सपायर हुआ है अभी? क्या नाम? ये इंजर्ड है, घायल हुए हैं ये? हाँ, क्या नाम है इनका? मंजीत नाम। कहाँ के रहने वाले? कहाँ पड़ता है ये? ट्रैक्टर वाला भाग गया है? क्या हादसा हो गया? मेरा भाई अभी धामलावास से रेवाड़ी तक आता है ये स्कूटी पे, और उसके बाद आगे मानेसर जाता है। लेकिन अभी मुझे खबर मिली कि ये गोपालदेव चौक के आसपास में उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक ट्रैक्टर वाले ने उसको टक्कर मारी है, बाद में ट्रैक्टर वाला फरार है। और मेरा भाई अभी एक मोटरसाइकिल वाले को भी टक्कर मारी है। हाँ, एक मोटरसाइकिल वाला भी उसको भी टक्कर मारी है, वो अभी सीरियस हेल्थ है।